हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकेट लर्निंग एंड द सेकेंड लेक्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में तीन पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि हम कवर कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि हिस्ट्री और जियोग्राफी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे हिस्ट्री की स्टडी जियोग्राफी पर डिपेंड करती है। अब हमें पढ़ना है जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि इंडिया में जियोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे प्लेन लैंड है, कहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे ओशंस हैं, ये सब आते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स में। ठीक है, तो वो हम शुरू करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं हम जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आर कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार एंड वाइड। तो इंडिया जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, एट इट्स नॉर्थ लाई द हिमालय, टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, टू द वेस्ट द अरेबियन सी एंड टू द साउथ द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया की चारों साइड्स में क्या क्या है, तो वो हम मैप में देखेंगे। मैप दिया हुआ है आपको इंडिया का, कि इंडिया में अगर ऊपर की तरफ बात करें तो हिमालयाज है। ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट और नीचे की तरफ आता है साउथ। सबसे पहले नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आता है हमारा हिमालय माउंटेन इंडिया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है इंडिया और हिमालय जो है इस तरह से पूरा इंडिया को घेरे हुए है नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दोनों साइड में हिमालय है। फिर वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट में देख सकते हो आप लोग अरेबियन सी है। ईस्ट में बात करें तो बे ऑफ बंगाल है, और अगर साउथ की तरफ बात करें तो है इंडियन ओशन। ठीक है, डायरेक्शंस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फोर बन जाता है ऐसे, ईस्ट ये वाला, वेस्ट ये, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये वाला ईस्ट है, फिर यहाँ पे आएंगे तो वेस्ट, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे जाएंगे तो साउथ। तो चारों तरफ इंडिया के क्या क्या है ये हमने देख लिया। एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कॉन्टिजुअस। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया में कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। अगर इंडिया के साउथ की बात करें तो इंडिया ऐसा है। ठीक है, इंडिया में यहाँ पे देखेंगे तो हम अंडमान निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, लक्षद्वीप है। तो इन दोनों पार्ट्स को छोड़ के बाकी का जो पूरा इंडिया है वो कॉन्टिगियस है, मतलब एक साथ है। ठीक है, इसका लैंड एक ही है, लेकिन ये जो दो आइलैंड्स है ये कॉन्टिगियस नहीं है, मतलब अलग अलग है। वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस रीजन हैंस फोर्थ रिफर टू एज एंशियंट इंडिया व्हेन वी स्टडी द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जब हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं उसमें हम क्या क्या करते हैं, हम एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, बिफोर 1947 टुडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेयर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो 1947 के पहले क्या था, जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है ये दोनों भी पार्ट हुआ करते थे इंडिया के, लेकिन जब हमें फ्रीडम मिला 1947 में, उसके बाद क्या हो गया कि जो बांग्लादेश है वो अलग हो गया और पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया। पहले तो इंडिया से सिर्फ पाकिस्तान अलग हुआ, जो बांग्लादेश है उसको वेस्ट पाकिस्तान माना गया और जो इधर का पाकिस्तान है उसको ईस्ट पाकिस्तान माना गया। लेकिन कुछ समय बाद जो वेस्ट पाकिस्तान है वो एक, उसको भी इंडिपेंडेंस मिल गया और उसका नाम फिर बांग्लादेश पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे बंगाली लोग रहते थे। द फॉलोइंग रीजन्स आर सीन टू बी इम्पॉर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जब हम इंडियन हिस्ट्री का कोर्स देखते हैं तो हिस्ट्री जो है हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसीलिए इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पूरा ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है इंडिया के वो पढ़ लेंगे। तो इंडिया में क्या क्या है, सबसे पहले तो हिमालयाज है इंडिया में, जो हमने अभी मैप पे देखा इंडिया में नॉर्थ की तरफ हिमालयाज है। फिर उसके नीचे आता है प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ठीक है, ये जो प्लेन्स हैं सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स के, इनको कहा जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी कहा जाता है इनको। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है थार डेजर्ट के बारे में, ये जो है ये राजस्थान के एरिया का डेजर्ट है। ठीक है, फिर है डेक्कन प्लेट्यू, फिर पढ़ना है कोस्टल रीजन्स और फिर आइलैंड्स इन द सी। तो ये टोटल छः डिविजन्स है इंडिया के। मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है,
सबसे पहले तो हमने देखा द हिमालयास, ठीक है, यह है इंडिया का मैप। हिमालयास जो है ये ऊपर वाले रीजन में है। फिर देखना है हमें द प्लेन ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु रिवर, ठीक है। तो ये वाले प्लेन्स किधर है, ये जो आपको दिख रहा है मिडल पार्ट, ये पूरे आ जाते हैं प्लेन्स में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गंगा रिवर है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र अगर हम देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि यहाँ से निकलती है चाइना के एरिया से और फिर घूम कर इस तरह से इंडिया में आती है और फिर ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। फिर सिंधु नदी की बात करें तो वो कहाँ पे, वो यहाँ पे है, ये इंडस रिवर जो है इसी को कहा जाता है सिंधु रिवर, ठीक है। तो ये है इंडस रिवर जो ऐसे निकलती है और फिर ये चली जाती है पाकिस्तान के एरिया में और फिर फाइनल ये जाती है अरेबियन सी में। तो ये जो प्लेन्स है इन्हें ही कहा जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु नदी का प्लेन। फिर हमें देखना है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आप देख सकते हो डार्क ब्राउन रीजन में है, ठीक है। ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू ये पूरा। उसके बाद है थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट ये है लाइट ब्राउन कलर में। उसके बाद जो आइलैंड ग्रुप है वो देखना है, आइलैंड ग्रुप कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल में आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि इंडिया का ही पार्ट है। फिर ये साइड अरेबियन सी में देखोगे तो लक्षद्वीप आइलैंड है जो अगेन इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। और एक बात, जो ये नीचे वाला रीजन है ना इंडिया का, ये वाला रीजन, ठीक है, इतना जो पूरा रीजन है इसे कहा जाता है पेनिनसुलर रीजन या पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब होता है आइलैंड जैसा, आइलैंड जैसा। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड यानी लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस रीजन की बात करें पेनिनसुला रीजन की, तो आप देखोगे कि जो पेनिनसुला रीजन है, वो चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा हुआ है बल्कि इसके तीन साइड पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे पानी है, लेकिन एक साइड क्या है, लैंड है। तो ये थोड़ा थोड़ा आइलैंड जैसा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेनिनसुला। और ये जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, इसके दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। पहला तो है डेक्कन प्लेट्यू जिसके बारे में हमें पढ़ना है और दूसरा है कोस्टल एरियाज। ये जो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में आपको दिख रहा है ना, ये पूरा है ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इतना पूरा क्या है, ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये वाला जो साइड है इसको फिर क्या बोलेंगे, ये भी कोस्ट है। कोस्ट मतलब क्या होता है, समंदर का किनारा, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल का जो किनारा है, किनारे वाला इंडिया का पोर्शन है, उसे कहेंगे ईस्टर्न कोस्ट। अरेबियन सी के किनारे वाला जो है उसे कहेंगे वेस्टर्न कोस्ट। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सब आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के। सबसे ऊपर आएंगे तो हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है। उसके नीचे देखेंगे तो थार डेजर्ट है यहाँ पे, जिसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर के प्लेन्स जो यहाँ पे फैले हुए हैं। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे देखेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू है पूरा। डेक्कन प्लेट्यू किसका भाग है, तो पेनिनसुला का भाग है। पेनिनसुला में और क्या आता है, दो चीज़ें आती है, पहले तो डेक्कन प्लेट्यू और दूसरा कोस्टल रीजन्स। इंडिया में कोस्टल रीजन्स कौन कौन से हैं, दो है, एक तो है ईस्टर्न कोस्ट और दूसरा क्या है, वेस्टर्न कोस्ट। ये है ईस्टर्न कोस्ट और ये है वेस्टर्न कोस्ट। चलिए शुरू करते हैं, फाइनली इनको हमें डिटेल में पढ़ना है अब एक एक करके। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है हिमालयास के बारे में। हिमालयास क्या है, ये आपको माउंटेन्स दिए गए हैं हिमालय। सबसे पहली बात तो हिमालय हम सुनते हैं बहुत बार, तो हमें क्या लगता है कि हिमालय पूरा एक ही माउंटेन है, तो ऐसा नहीं है। हिमालय माउंटेन जो है उनकी अलग अलग रेंजेस है, यानी वो अलग अलग माउंटेन्स हैं, अलग अलग उन्हें रेंजेस कहा जाता है और पूरे को एक साथ कहा जाता है क्या, हिमालयास, ठीक है। द हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस हैव क्रिएटेड एन इम्पेनिट्रेबल वॉल ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, पहले तो देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया हमें पता है हमारी कंट्री जहाँ हम रहते हैं, जिसका हमने अभी मैप भी देखा। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, हमें पता है 1947 से पहले की बात करें तो तब इंडिया जो है वो डिवाइडेड नहीं था। इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये सब जो थे ये इंडिया का ही पार्ट थे। तो उन सारी कंट्रीज़ को मिला के कहा जाता है और इंडिया को भी मिला के
उन्हें कहा जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ, ये जो आसपास की कंट्रीज थी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब अलग हो गए इंडिया से, तो फिर जो बना वो था हमारा इंडिया। लेकिन 1947 के पहले ये सारी कंट्रीज एक साथ थी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। तो हिमालय माउंटेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हिंदू कुश और हिमालय रेंजेस ये हिमालय के ही पार्ट हैं, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन्स हिमालय के पार्ट हैं और दूसरा पार्ट है हिमालय के रेंजेस। तो इन दोनों ने मिलाकर यानी हिमालयस ने क्या किया है, एक इम्पेनिट्रेबल वॉल क्रिएट किया है नॉर्दर्न पार्ट पे, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट पे इसने इम्पेनिट्रेबल वॉल, इम्पेनिट्रेबल मतलब जहाँ से कोई एंटर ना कर सके। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हिमालय रीजन है वो नॉर्थ की साइड पे है, और नॉर्दर्न साइड में इंडिया के कौन सी कंट्री आती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पूरा क्या है, चाइना का पार्ट है, ये पूरा जो है ये चाइना का पार्ट है, और यहाँ पे है हमारे हिमालय माउंटेन सारे। तो चाइना से अगर कोई अटैक करना चाहे ये साइड से, तो क्या वो इंडिया में एंटर कर पाएगा, इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालय माउंटेन है जो बैरियर बन के खड़े हैं यहाँ पे। तो हिमालय जो है वो एज अ प्रोटेक्शन, एज अ शील्ड काम कर रहे हैं किसके लिए, बिल्कुल इंडिया के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तो अगर आपको पता है कि जो एशिया है, एशिया हमारा कॉन्टिनेंट, उसके साउथ पोर्शन में है हमारा इंडिया, ठीक है, ये है हमारा इंडिया और पूरे एशिया के साउथ पोर्शन में हमारा इंडिया है। तो एशिया का जो बीच वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, जिसको कहा जाता है सेंट्रल एशिया के डेजर्ट्स, ठीक है। वहाँ पे क्या है, डेजर्ट्स हैं, और इन डेजर्ट्स की वजह से क्या हुआ, फिर से ये एशिया है, ये इंडिया है, बीच में डेजर्ट्स हैं, इन डेजर्ट्स की वजह से क्या होता है, सॉरी, ये जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है इधर इंडिया के ऊपर साइड में, उसकी वजह से क्या होता है, डेजर्ट्स और इंडिया ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इंडिया को हिमालय माउंटेन्स जो है वो डेजर्ट्स वाले एरिया से अलग करके रखते हैं। हाउएवर देयर इज अ लैंड रूट थ्रू द खाइबर एंड बोलान पासेस इन द हिंदू कुश माउंटेन। अब ये खाइबर पास और बोलान पास, ये दोनों एक रास्ते हैं, लैंड के रास्ते हैं, जिनको नाम दे दिया गया है खाइबर पास और बोलान पास। ये हिमालय माउंटेन्स के बीच में से निकलते हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स में से निकलते हैं ये, और इंडिया में आने का ये रास्ता बनाते हैं, ठीक है। तो पहाड़ों के बीच में भी आपको याद रखना है कि दो पास हैं, कौन कौन से, खाइबर पास और बोलान पास। दिस रूट वॉज कनेक्टेड टू एन एंशियंट ट्रेड रूट। अब ये जो रूट है खाइबर पास और बोलान पासेस वाला, ये एक एंशियंट रूट है, ठीक है, कनेक्टेड है उससे, मतलब ये बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं। इन रास्तों से लोग क्या करते थे, सिल्क का ट्रेड करते थे, इसलिए इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया। चाइना से जो ट्रेड रूट था वो सेंट्रल एशिया में पास हुआ और फिर अरेबिया पहुंचा, उसको कहा जाता है सिल्क रूट या सिल्क रूट। मतलब क्या हुआ कि पहले देखिए जो चाइना है वहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। सबसे पहले सिल्क अगर किसी कंट्री ने बनाया था तो वो था चाइना। अब चाइना में सिल्क बन गया, तो चाइना वाले जो थे वो बहुत ही चालाक थे। चाइना ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में किसी को भी नहीं बताया कि सिल्क आखिर बनता कैसे है, ताकि चाइना को प्रॉफिट हो, है ना। तो सारा वर्ल्ड क्या करता था, चाइना से सिल्क खरीदता था। अब चाइना का सिल्क बहुत ही ज़्यादा फेमस था, स्पेशली यहाँ पे जो कंट्रीज है, ईरान है, ग्रीस है, यहाँ पे बहुत फेमस था। लेकिन चाइना वालों को क्या करना पड़ेगा, हिमालय माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा अगर उन्हें यहाँ पे आना है। तो हिमालय के बीच में से ही उन्होंने खाइबर पास और बोलान पास निकाल दिया। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, खाइबर पास ये है, बोलान पास ये है, ताकि इस तरह से यहाँ पे हम जा सकें। तो ये जो रास्ते थे ये क्यों बनाए गए थे, ताकि चाइना वाले जो है वो सिल्क का ट्रेड कर सके, ठीक है, सिल्क का ट्रेड कर सके, इसीलिए इन रास्तों को कहा गया सिल्क रूट या सिल्क जो सॉरी सिल्क रूट कहा गया इन रास्तों को, या सिल्क रोड कहा गया, ठीक है। बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रूट। तो इस रूट का यूज करके मेन जो प्रोडक्ट था, मेन जो कमोडिटी थी, वो क्या थी, सिल्क थी। द रूट थ्रू द पासेस
was used by many foreign invaders to enter ancient India. Many foreign travelers also came to India by this route. अब ठीक है, रास्ते तो बना दिए, लेकिन ये जो रास्ते थे ये बहुत सारे foreign invaders को भी use आए इंडिया में आने के लिए. अब जैसे अलेक्जेंडर आए थे, वो तो हालांकि वेस्ट से आए थे, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेडर्स थे. इन्वेडर्स यानी जो इंडिया में, जिन्होंने इंडिया में अटैक किया, इंडिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश की. तो फॉरेन से बहुत सारे लोग आए इंडिया की तरफ, इंडिया को जीतने के लिए, और वो इन्हीं रास्तों से आए थे. बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे इंडिया में, इंडिया की स्टडी करने के लिए. जैसे चाइना से फाहियान आए थे, है ना, तो ऐसे जापान से भी आए थे, चाइना से स्पेशली बहुत सारे आए थे. तो ये था हिमालय के बारे में. हिमालय जो है, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले तो हिमालय में दो चीज़ें हैं. पहला हिमालय का पार्ट है हिंदू कुश माउंटेन्स, और दूसरा इसमें आता है हिमालयन रेंजेस. और ये जो है हिमालयाज, वो इंडिया के लिए नॉर्थ की तरफ प्रोटेक्शन के रूप में है. फिर क्या देखा हमने कि हिमालय में दो रास्ते बनाए गए हैं हिंदू कुश माउंटेन्स को ब्रेक करते हुए, खाइबर एंड बोलन पास. ये जो पास थे ये चाइना ने बनाए थे, और चाइना क्या करता था, इससे सिल्क रूट करता था, और सिल्क ट्रेड करता था. इसीलिए इन रास्तों को सिल्क रूट या सिल्क रोड कहा जाता है. फिर हमने देखा कि फॉरेन के कुछ लोग भी आए थे इंडिया में इन्हीं रास्तों का यूज़ करते हुए. साथ ही फॉरेन के कुछ ट्रैवलर्स भी आए थे इंडिया में घूमने के लिए. यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए आसपास पूरे पहाड़ हैं, आपको फिगर में दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो है बीच में इनके रास्ता है, जिसको क्या कहा गया है, खाइबर पास कहा गया है. फिर हमें देखना है द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. इन प्लेन्स के बारे में हमें देखना है. मैंने आपको बताया इनको नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी कहा जाता है. ठीक है, ये दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार वाला जो एरिया है वो है. दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ बेसिन्स ऑफ थ्री बिग रिवर्स. अब ये जो रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इसमें क्या क्या आता है, तो तीन जो बड़ी नदियां हैं, नाम से पता चलता है कौन सी नदियां. सिंधु नदी, जिसको क्या कहा जाता है, इंडस रिवर भी कहा जाता है. दूसरी है गंगा नदी, एंड तीसरी है ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये जो तीन रिवर्स हैं, इनके बेसिन्स को मिला के कहा जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. ठीक है, बेसिन्स मतलब मान लीजिए ये कोई रिवर है, इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी. तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसको कहा जाता है बेसिन ऑफ रिवर. जितना भी वो रिवर कवर कर रही है एरिया, उसको बोलेंगे बेसिन ऑफ रिवर. द रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट. तो वेस्ट में जो पंजाब का एरिया है या सिंध का एरिया है, सिंध का एरिया पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में एक पंजाब भी है, और इंडिया में भी पंजाब है. तो पाकिस्तान का जो एरिया है, वहाँ से लेकर तो बांग्लादेश के एरिया तक, ये पूरा एरिया जो है, इसे हम कहते हैं क्या, द प्लेन्स ऑफ गंगा सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, मैप में देख लेते हैं कि ये प्लेन्स किधर है. मैंने आपको सिर्फ इंडिया के दिखाए थे, इंडिया के तो हम इतने ही प्लेन्स को मानते हैं. ठीक है, लेकिन ये प्लेन्स जो है इंडिया के बाहर भी हैं. पाकिस्तान की बात करें तो वो यहाँ से शुरू होते हैं, और ये जो है हमारा बांग्लादेश, इसको भी मिला के ये पूरे प्लेन्स को कहा जाता है द प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु रिवर. इट वॉज इन द रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा एंड द लेटर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशियंट इंडिया इमर्ज. और ये जो रीजन्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की, इनको शॉर्ट में हम प्लेन्स बोल देंगे. ठीक है, तो ये जो प्लेन वाला रीजन है, वहीं पे सबसे पहली सिविलाइजेशन जो थी हमारी, हरप्पा सिविलाइजेशन, वो बनी थी. वहाँ वो जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे. अब हरप्पा सिविलाइजेशन क्या था, आपको पता है कि जो पहले लोग थे वो नोमेडियन पीपल थे. नोमेडियन पीपल मतलब क्या, वो घूमते थे, खाते थे, कहीं भी रहते थे, जानवरों को मार के खाते थे. ठीक है, वो मतलब घूमते थे और खाते थे, तो वो हंटर्स और गैदरर्स थे. ठीक है, लेकिन बाद में चल के क्या हुआ, बाद में लोगों ने एक साथ मिलकर रहना शुरू किया, एक ही जगह पे एग्रीकल्चर करना शुरू किया, और ह्यूमन सेटलमेंट्स बनने लगी. तो ये जो सिस्टम है ना, एक साथ रहने का, एक ही प्लेस पे रहने का, उसे कहा जाता है सिविलाइजेशन. मतलब लोगों ने अपनी सोसाइटी फॉर्म करना शुरू की, अपनी सिविलाइजेशन बनाना शुरू की. और ऐसा जब लोगों ने पहली बार शुरू किया, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वो इंडिया की. ठीक है,
इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, और उस सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्यों हरप्पन? क्योंकि हरप्पा एक प्लेस का नाम है और उस प्लेस पे हमें सबसे पहले इसके जो रिमेन्स हैं वो मिले थे, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन कहा गया है। और ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे मिली हमें, तो यही जो प्लेन वाला रीजन है ना जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर का, वहीं पे हमें मिली थी ये हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब क्यों हमें मिली थी, साथ ही यहाँ पे बताया गया कि जो कुछ एम्पायर्स हैं, कुछ एंशियंट इंडिया के स्टेट्स हैं, वो भी इसी रीजन में मिले। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों इसी रीजन में मिले, बाकी कोई रीजन में क्यों नहीं मिले? क्योंकि जो अर्लियर पीपल थे वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे थे, एग्रीकल्चर पे। वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे और उसी का खाते थे, और कुछ बचता है तो उसे सेल करते थे। तो एग्रीकल्चर अगर उनका मेन ऑक्यूपेशन था तो एग्रीकल्चर सबसे अच्छा कहाँ होगा, नदी के पास में, और नदियों वाला रीजन तो यही है। यहाँ पे तीन तीन नदियाँ हैं, गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, इसीलिए ये जो सिविलाइजेशन है हमें यही मिली, रिवर्स के पास में। नेक्स्ट हम देखते हैं द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, जो हमारा राजस्थान का एरिया है, हरियाणा का एरिया है और गुजरात का एरिया है, यहाँ पे है थार डेजर्ट। हमने मैप में भी देखा कि थार डेजर्ट, देखिए कहाँ पे है, ये वाला जो है ये राजस्थान का एरिया है हमारा, ये वाला, और ये नीचे वाला गुजरात है और ऊपर वाला क्या है, पंजाब। तो यहाँ पे पूरा थार डेजर्ट फैला हुआ है। थार डेजर्ट कहाँ पे फैला हुआ है, तीन एरियाज में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब। अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टूडेज पाकिस्तान, कुछ पार्ट जो है इस डेजर्ट का वो पाकिस्तान में भी है आज के टाइम में। मतलब ये थार डेजर्ट जो है वो इंडिया में भी है, ज़्यादा इसका पार्ट इंडिया में है और थोड़ा सा पार्ट कहाँ है, पाकिस्तान में है। द डेजर्ट हैज़ द सतलुज रिवर टू इट्स नॉर्थ, ये जो डेजर्ट है इसके नॉर्थ में सतलुज रिवर है। द अरावली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट, द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड द रिवर्स इंडस रिवर टू इट्स वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट में क्या क्या है बताया गया है, अगर ये थार डेजर्ट है तो इसके नॉर्थ में क्या है बताइए, सतलुज रिवर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सतलुज रिवर है। फिर इसके ईस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में है रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ। इसके वेस्ट में क्या है, वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे है इंडस रिवर, सॉरी वेस्ट इधर है, इंडस रिवर। और इसके साउथ में क्या है, वन मिनट, हियर इज अ मिस्टेक, सॉरी, ये जो है रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में है, और ये कहाँ पे है, फिर से बनाते हैं इसको। देखिए हमने थार डेजर्ट बनाया, थार डेजर्ट के नॉर्थ में क्या है, सबसे पहले नॉर्थ में है सतलुज रिवर, ठीक है, साउथ में क्या है, तो नीचे गुजरात है इसलिए यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ। फिर अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे अरावली जो कि छोटी सी माउंटेन रेंजेस है, अरावली जिसे हम कहते हैं, और अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे है हमारी इंडस रिवर, क्योंकि हमें पता है कि इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान से होते हुए जाती है नीचे अरेबियन सी में। ठीक है, मैप में देख लेते हैं थार डेजर्ट को, तो थार डेजर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइट ब्राउन कलर में, ऊपर आप देखोगे, देखिए नॉर्थ में सतलुज रिवर है, ये साइड अगर आप देखोगे तो ये साइड आते हैं इस तरह से कुछ अरावली माउंटेन रेंजेस। फिर हम देखें थार डेजर्ट के वेस्ट में तो यहाँ पे इंडस रिवर है, और थार डेजर्ट के नीचे की तरफ देखें तो ये है हमारा, ये जो पोर्शन दिख रहा है ऐसा, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द घग्गर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीचेज द थार डेजर्ट। अब हिमाचल प्रदेश से इस एक रिवर शुरू होती है जिसका नाम क्या है, घग्गर रिवर, और ये जो है ये थार डेजर्ट में पहुंचती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इट इज़ नोन एज हकरा इन पाकिस्तान, और ये जो घग्गर रिवर है उसको हकरा कहा जाता है पाकिस्तान में। देखते हैं यहाँ पे मैप में, देखिए घग्गर रिवर जो है यहाँ से शुरू हो रही है और बिल्कुल यहाँ से वो थार डेजर्ट में आके मिक्स हो रही है। थार डेजर्ट में थार डेजर्ट से होते हुए ये जो है ये पाकिस्तान की तरफ जाएगी, और इसको क्या कहा जाता है पाकिस्तान में, हकरा। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप, राजस्थान में और पाकिस्तान में जो इसका कोर्स है वो सूख चुका है। मतलब ये जो नदी है वो थार डेजर्ट में आती है, लेकिन थार डेजर्ट से आगे जब ये बढ़ती है तो ये पूरी सूख चुकी है, क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया है, डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है, धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये जो नदी है ये सूख चुकी है। मैनी साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलॉन्ग द नाउ
ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर। हरप्पन सिविलाइजेशन की जो बहुत सारी साइट्स हैं, तो हरप्पन सिविलाइजेशन की हमने बात की, पहला सिविलाइजेशन था और ये हमने देखा था हरप्पा पे मिला था, लेकिन हरप्पा के साथ साथ इसकी बहुत सारी साइट्स थी, साइट्स यानी प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस पे ये मिला था। और बहुत सारी प्लेसेस पे ये मिला था, तो जितनी भी ये प्लेसेस हमें मिली वहाँ पे रिवर जो थी अब सूख चुकी है। उस टाइम पे ये घग्गर रिवर अच्छे से थी वहाँ पे, ठीक है, एकदम हरी भरी थी, मतलब उसमें पानी था, लेकिन अब जो है ये सूख चुकी है रिवर, अब ये सिर्फ थोड़ी सी ही हमें दिखाई देती है, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है और थार डेजर्ट में आके ये ख़त्म हो जाती है।